नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर एक बिजनेस का सीक्रेट थीम होता है। जिसके पास ये सीक्रेट पता है वो बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके काफ़ी सारा मुनाफा कमा लेते हैं, और जिसके पास ये सीक्रेट थीम्स है ही नहीं वो काफ़ी सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इस सीक्रेट थीम के ऊपर ही बात करूँगा। फिश फार्मिंग में भी ऐसा कुछ सीक्रेट थीम है जो आप जानने के बाद बहुत ही कम पैसे में इसको कर सकते हैं। आपके पास अगर एक फिश पॉन्ड है और आपके पास सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपया है तो उसी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। आप एक नया किसान है और फिश फार्मिंग में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पुराना किसान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कई सालों से फिश फार्मिंग करते आए हैं तो आपको भी इस वीडियो से फायदा होने वाला है, क्योंकि फिश फार्मिंग करने के दौरान आपको हर साल 4 से 5 लाख रुपये का सीट खरीदना होता होगा। तो इस वीडियो से आप अगर सारा चीज़ सीख के इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें 4-5 लाख का खर्चा नहीं होगा, इसमें आप 2-3 लाख का बचत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दिक्कत आता है नया किसानों के साथ, वो समझ ही नहीं पाते हैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कौन सा मछली को पालन करना चाहिए। ये सवाल मैक्सिमम किया जाता है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आता है, मैं नया किसान हूँ और मैं किस तरह का मछलियाँ पालन करूँ अपना पॉन्ड में। दोस्तों, 3 तरीके से इस बिजनेस को किया जाता है। सबसे पहला तरीका जो है वो है स्पॉन फार्मिंग। कोई स्पॉन को फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है सीड तैयार करना, यानी 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच साइज का मछलियाँ बनाना, ये है दूसरा तरीका। और तीसरा जो तरीका आता है वो है फिश कल्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा खर्चा, सबसे ज़्यादा समय का ज़रूरत होता है। नया किसान सारा चीज़ भूल जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी गलती उनसे हो जाती है। क्योंकि फिश कल्चर करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है और इसके लिए काफ़ी बड़ा साइज़ का फिश पॉन्ड का भी ज़रूरत होता है। कोई अगर बड़ा साइज़ का मछलियाँ बनाना चाहे तो उसका छोटा वाला पॉन्ड में इतना ज़्यादा बड़ा ग्रो मछलियाँ नहीं हो पाती है, तो ये काफ़ी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा जो है सीड खरीदना, उनको फिंगर लाइन साइज मछलियाँ खरीदना होता है, 1 साल में 4-5 लाख का सीड खरीदना होता है। सीट खरीदने के बाद ही उसमें कल्चर करने के लिए फिश फीड का ज़रूरत होता है, जिसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। अगर कोई बड़ा साइज़ का मछलियाँ बनाना चाहते हैं, कल्चर करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें तरह तरह का फिश फीड देना होता है। अगर अच्छा क्वालिटी का फिश फीड मछली को नहीं मिलता है तो मछली में ग्रोथ नहीं होता है, और अच्छे क्वालिटी का फिश फीड बनाने के लिए अच्छे खासा खर्चा भी होता है। तो ये सारा चीज़ जोड़ने के बाद जो नया किसान है वो देखते हैं काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो अगर उसके पास इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा पैसा नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो वो इससे पीछे हट जाते हैं, ये उनका सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा छोटा सा बिजनेस बता देता हूं जहां पे आपके पास एक पॉन्ड है, 1 बीघा का 1 पॉन्ड है, तो आप उसमें से सिर्फ 5 हज़ार का इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और करते करते आपके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा, फिर आप कल्चर सिस्टम में आ सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ आपको मैं बताऊँगा वो है स्पॉन फार्मिंग। तो स्पॉन फार्मिंग का तरीका बता देता हूँ, किस तरह से फार्मिंग किया जाता है, किस तरह से खाना दिया जाता है, किस तरह से पालन किया जाता है, सारा चीज बता दूंगा। अक्सर किसान स्पॉन फार्मिंग से डरते हैं, वो हमेशा एक सवाल करते हैं, इतना छोटा छोटा मछली को क्या खाना दूंगा, ये मछली पॉन्ड में छोड़ने के बाद इसको तो सारा सांप जो है वो खा जाएगा, ये नहीं तो मेंढक खा जाएगा, इस तरह का डर उनके मन में रहता है, जिस कारण इस बिजनेस को कर ही नहीं पाते। और जो लोग इस चीज़ को जान जाते हैं, उसको करने लगते हैं, उन्हें पता चलता है इससे कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता है तो लाखों लाखों बच्चा कहाँ से आता है, इतना मछलियाँ कैसी होती है। आपके पास अगर 1 बीघा का 1 फिश पॉन्ड है तो उसमें आप 5 बाटी स्पॉन्ज छोड़ सकते हैं, यानी 1 बाटी में 60 से लेकर 70 हज़ार पीस बच्चा होता है, और 1 बाटी जो है उसका बॉडी वेट जो होता है वो 125 ml का होता है। तो इस दौरान आप अगर 1 बीघा का फार्मिंग करते हैं, उसमें 5 बाटी स्पॉन्ज का पालन करते हैं, तो उसमें लगभग 3,50,000 का बच्चा होता है। मान लेता हूँ कुछ मेंढक खा गया, कुछ सांप खा गया, तो भी कितना रह जाएगा, 1-1 बाटी में 50,000 पीस बच्चा रह जाएगा, जो 2.5 लाख होता है। तो आप सोच ही सकते हैं एक छोटा सा फिश पॉन्ड में 2.5 लाख बच्चे को आप बहुत आसानी से पालन कर सकते हैं। अभी इसका कीमत क्या होगा, फिलहाल तो इसका रेट 500-550 रुपया बाटी चल रहा है, लेकिन जब पूरा सीजन स्टार्ट हो जाता है तब इसमें इसका रेट काफ़ी कम हो जाता है, 300-350 रुपया बाटी में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसका हिसाब आप जोड़ते रहिए, 500 करके हिसाब जोड़िए दोस्त, तो भी कितना आता है, 2500 रुपया। इस स्पॉन को छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है फिश फीडिंग, जहाँ पे लाखों का खर्चा
खर्चा होता है फिश कल्चर में इस जगह में काफ़ी कम खर्चा होता है। इस मछली का खाना सिर्फ सरसों का खल्ली होता है, बाकी और कुछ नहीं लगता। और थोड़ा सा फूड सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो विटामिन वगैरह है उसका कीमत काफ़ी कम रहता है, 150 से 200 रुपया में हो जाता है। तो इसका मेन जो खाना है वो है सरसों खल्ली। अगर आप इस 5 बाटी को 1 से 1.5 महीना तक खिलाना चाहते हैं, सिर्फ 50 किलो सरसों का खल्ली से इस मछली को बड़ा कर सकते हैं, जिसका प्राइस है काफ़ी कम है, 24 से लेकर 25 रुपया किलो आता है। तो 50 किलो का कीमत कितना हुआ, तो इसका प्राइस हो गया 1250 रुपया। और इस मछली को जल्दी से ग्रो में लाने के लिए एक फूड सप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसका लगभग 200 रुपया कीमत होता है। स्पॉन फार्मिंग के लिए एक तरह का फिश पॉन्ड का तैयारी करना होता है, जिसमें मैं पकड़ लेता हूँ 1050 का खर्चा है। ये सारा चीज़ जो मैंने बताया 1 बीघा फिश पॉन्ड के लिए, यानी 33 डेसिमिल जो पॉन्ड एरिया है उसके लिए बताया हूँ। ये सारा इन्वेस्टमेंट जोड़ के मुझे जो खर्चा हुआ है वो है 5000। और स्पॉन फार्मिंग के समय किसी तरह का बीमारियाँ इस मछली में मैक्सिमम टाइम नहीं होती है, और रिस्क भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है और फिश फीड कम लगता है, सारा चीज़ कम लगता है, और उसमें मेहनत भी बहुत ही कम लगता है। लोग ज़्यादा समझते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल आसान, एकदम बच्चे जैसा खेल है, इसको हर कोई किसान बहुत आसानी से कर सकता है। स्पॉन फिश पॉन्ड में छोड़ने के बाद 1 हफ्ता में ये जीरा साइज में आ जाती है, फिर 1 से 1.5 महीने बाद ये मछलियाँ लगभग 1.5 से 2 इंच साइज में हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ रेट होता है स्पॉन के। अभी टोटल हिसाब थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना खर्चा और कितना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। स्पॉन परचेसिंग पार्टी का मैंने 2500 जोड़ा था, फिश फीड में 50 किलो जोड़ा था 1250 रुपया, विटामिन का जोड़ा था 200 रुपया पर, पॉन्ड प्रिपरेशन में मैंने 1050 का खर्चा जोड़ा था, तो टोटल मुझे 5000 का खर्चा आया था। तो दोस्तों याद है ना मैंने कितना बताया था सीड आपका फिश पॉन्ड में होना चाहिए, मेंढक खा गया, सांप खा गया, सब कुछ खाने के बाद भी 2.5 लाख बच्चा होना चाहिए। तो इसमें से भी मैं और 50000 का मोर्टेलिटी पकड़ लेता हूँ तो भी मुझे 2 लाख बच्चा मिलना चाहिए। 2 लाख बच्चा अगर 1.5 से 2 इंच साइज होता है तो उसमें लगभग 15000 रुपया लाखों में बिक जाना चाहिए। तो अगर मैं 10000 लाख पकड़ता हूँ, यानी 1 लाख बच्चे का कीमत अगर 10000 पकड़ता हूँ तो भी मुझे 20000 का सेलिंग होगा। इसमें से 5000 का माइनस कर देता हूँ तो भी प्रॉफिट मुझे 15000 का आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है बहुत ही कम इन्वेस्ट में, यानी 5000 का इन्वेस्ट करके आप 15000 का प्रॉफिट बहुत आसानी से कमा सकते हैं। और जो पुराने फिश फार्मर है जो फिंगरलिंग मछलियाँ खरीदते हैं, वो लाखों का खर्चा करके ये फिंगरलिंग मछलियाँ खरीदते हैं, तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई करके खुद ही अपना सीट को खुद ही तैयार कर सकते हैं और लाखों का बचत भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने हिसाब बताया वो 1 बीघा फिश पॉन्ड के लिए है। किसी के पास 1 एकड़ पॉन्ड है तो ये 3 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये छोटी ट्रिक्स बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत ही लाखों का खर्चा करके सीड खरीदते हैं, और जिसे पता है वो कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक साल में ये लगभग 3 से 4 बार इस तरह का चीज़ें कर लेते हैं, और जब कल्चर करते हैं वो साल में 2 बार ही कर पाते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट कम मिलता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह का बिजनेस में रिस्क कम, खर्चा कम, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया खर्चा प्रॉफिट सारा चीज़, अगर इसको करना चाहते हैं तो करेंगे कैसे, इसके लिए आपको दोस्त 3 चीज सीखना होगा। एक है स्पॉन के लिए फिश पॉन्ड तैयारी, दूसरा है इस बच्चे को छोड़ने के बाद कौन सा खाना देंगे, किस तरह से देंगे, और कितना क्वांटिटी में देना होगा, कितने बार देना होगा, ये चीज़ जानना। और तीसरा जो चीज़ है, इस मछली को अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपका दूसरा और एक पॉन्ड है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके लिए डबल ग्रोथ वाला एक फिश पॉन्ड तैयार करना होता है। तो उस ये तीनों चीज़ सीखने के बाद इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और तीनों के तीनों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बना चुका था, तो लेकिन आप लोग जानते नहीं है क्योंकि इसका लाइनअप मैंने पकड़ाया नहीं था, अलग अलग सिस्टम में मैं दिखाया था, तो आज मैं इसका लाइनअप पकड़ा देता हूँ। इस तीनों वीडियो देखने के बाद आपको और दूसरा कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है, सारा चीज़ आप इस तीनों वीडियो के द्वारा ही इस फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों तीनों वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को
एक लाइक भी कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले जो वीडियो को आपको जानना है वो है पॉन्ड प्रिपरेशन, ये इस पॉन्ड के लिए किस तरह से पॉन्ड को प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा वीडियो देखना है आपको इस पॉन्ड को छोड़ने के बाद किस तरह से खाना देना चाहिए, किस तरह से इसको जतन करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, मैंने ये सारा चीज़ लाइव करके प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ। इसको देखेंगे तो आप बहुत आसानी से सारा चीज़ को समझ पाएंगे। और वो भी ब्लैक कप मछली के ऊपर किया, जो काफ़ी महंगा वाला मछली है, और ये मछलियाँ तो काफ़ी सस्ती में मिलती है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा तकनीक के लिए आपको दो फिश पॉन्ड का ज़रूरत होगा, जिसमें इस पॉन्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें मछली को बहुत जल्दी ग्रोथ में लाया जाता है, जो 3 इंच 4 इंच साइज़ में बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो दोस्तों ये सारा तीनों वीडियो मैं इन स्क्रीन पे दे दूंगा, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, सीधा क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।